नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोनोली, एक तरफ चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जहां जल को लेकर तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं, जैसे जल दीप योजना, घर घर जल योजना, तमाम योजनाएं हैं, मगर आदर्श नगर पंचायत सोनोली जलकर सप्लाई का गंदा पानी से दूषित है और जल कल में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। महाराजगंज अमजद खान की। कि जो यहाँ पे अभी जलकल में सुनौली जलकल में साफ सफाई के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा क्यों? सर, अभी देखिए जल निगम द्वारा इसको लिखा जा रहा है, जल निगम डिवीजन जोजिया द्वारा, तो लगभग अभी जल निगम ग्रामीण और जल निगम नगरी दो भागों में हमारा विभाग हो गया है। तो पहले इसको महाराज डिवीजन द्वारा देखा जाता था, वो कुछ दिन टाइम में ग्रामीण में चला गया है और इसको नगरी द्वारा जोजिया द्वारा देखा जा रहा है। अभी मेरा यहाँ पर स्थानांतरण हुआ है जुलाई में, इससे पहले मैं सुल्तानपुर में था, तो अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये योजना लगभग चल ही रही है। और अमृत 2.2 के अंतर्गत हर घर नल से जल के अंतर्गत यहाँ का एस्टिमेट बनाया गया है जो लगभग 47 करोड़ रुपए का है और खुद शासन को प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही वह पास हो जाएगा तो यहाँ की व्यवस्था, जैसे ट्यूबवेल का मरम्मत कार्य है या और ट्यूबवेल का निर्माण कार्य है, पाइपलाइनों का विस्तार है या फिर यहाँ पर जो भी मेंटेनेंस का कार्य है उसको कराया जाएगा जल्दी जल्दी। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि नगर पंचायत द्वारा अपना कब्जा जमाया गया है, यहाँ पे ना शौचालय या टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अधिकारियों से बात की जा रही है जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था। यहाँ पे पाइपलाइन भी टूटी हुई है, कई जगह पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पे गंदे जल का उपयोग घरों में जा रहा है, गंदे पानी का सफाई हो रहा है, जिसमें संक्रमण बढ़ रही है, क्या उसके लिए आप कुछ अधिकारियों का कब तक अवगत कराइएगा? हमने इसको अवगत कराया हुआ है, उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया जल्द से जल्द कराया जाएगा, जिसके कारण आखिर कार्य कब तक हो जाएगा, कब तक होने की संभावना लग रही है? इस संबंध में जो है शासन को जो एस्टिमेट बना के प्रेषित किया जा चुका है अमृत 2.0 के अंतर्गत, हर घर नल से जल व्यवस्था की जाएगी, कैंपस का डेवलपमेंट का कार्य या फिर पानी की व्यवस्था हो तो टंकी अन्य टंकियों का भी व्यवस्था किया जाएगा। और सुन में आ रहे हैं यहाँ से यहाँ पानी टंकी सप्लाई बहुत गंदा पानी जा रहा है। नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में तो हमारे द्वारा देखा गया कि सप्लाई हो रही है, क्योंकि ट्यूबवेल काफ़ी पुराना है, उसको महाराजगंज डिवीजन द्वारा देखा जा रहा था, तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको मरम्मत कार्य भी कराएंगे और कोशिश होगी कि नया ट्यूबवेल का भी निर्माण कार्य अगर फंड अवेलेबल होता है। जिस तरीके से यहाँ पे आदर्श नगर पंचायत के सफाई कर्मी यहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं और यहाँ पे पूरा कूड़ा कबाड़ा वाला ला के ठेला खड़ा कर दिया जा रहा है, क्या इससे संक्रमण नहीं फैलेगी? इसके लिए हम उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है, हमारे शासकीय नेता महोदय द्वारा उनके संज्ञान में भी आया है और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने का प्रयास किया है। अभी कब तक आपको मतलब इसकी संभावना है कि अगर नगर पंचायत में शुद्ध पानी की एकदम व्यवस्था की जाएगी? देखिए, अभी तो प्रेजेंट टाइम में यही व्यवस्था है, जो इसी एक ट्यूबवेल जो है संचालित किया जा रहा है और जो कि हमारे डिवीजन द्वारा देखा जा रहा है। अगर इन जो शासन को जो एस्टिमेट यहाँ से भेजा गया है नए कार्य के लिए, अगर जितनी जल्दी वो पास हो जाएगा तो हम